बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोनीस किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी कलेजी रोल पराठा बनाऊंगी, तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ कलेजी ली है और कलेजी को मैंने पानी से 2 से 3 बार अच्छे तरीके से वॉश किया है। अब मैं लास्ट टाइम इसको स्ट्रेन कर रही हूँ, तो देखिए इसमें जो अब आखिरी का ब्लड था वो भी निकल चुका है। तो चलिए अब मैं इसको एक बाउल भी निकाल लेती हूँ। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेंगे और 100 ग्राम बटर मैंने लिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से मेल्ट कर लूँगी। तो कोई भी रेसिपी आप जब मक्खन के साथ बनाते हैं तो उस रेसिपी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो आप इसकी जगह यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें कलेजी ऐड कर रही हूँ। आधा किलो कलेजी हमने ली है और इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको मक्खन में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इतना भूनना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमें इसकी ज़बरदस्ती भुनाई करनी है। स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत धनिया मैंने दरदरा कूट लिया था, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी का लेंगे, 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा लिया था उसको पीस लिया है, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है। बस इनफ हैं ये मसाले। अब इन मसालों के साथ हम कलेजी को ज़बरदस्त सब भुनेंगे। आपने होटल्स वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर बिना कवर किए फुल फ्लेम पे कढ़ाई या फिर गोश्त की और रेसिपीज़ को भुना जा रहा होता है। तो जितनी ज़बरदस्त भुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे कवर कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। चलिए जब तक हम पराठे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1/2 चम्मच में नमक ले रही हूँ, 2 चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब नीम गर्म पानी से मैं इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे ये डो जो है वो तैयार है। अब मैं इसको ऑयल ब्रश कर रही हूँ, इसके बाद मैं 1/2 घंटे के लिए इसे कवर कर दूँगी। तो चलिए कलेजी को चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये कलेजी फ्राई हुई है। तो देखिए सारा पानी भी इसका ड्राई हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी ताकि बाकी मसाला भी इस पर चिपक जाए। तो चलिए तैयार है, मैं इसको साइड में कर देती हूँ। तो यहाँ पे 1/2 घंटा हो चुका है और डो भी बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हुई है। अब मैं इसे काउंटर टॉप पर डालकर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसे दोबारा से स्ट्रेच करेंगे। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े यहाँ पर हमें नॉर्मल साइज़ के बनाने, ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। तो यहाँ पे इसके 4 पेड़े बन गए हैं। अब मैं इसमें से एक लेकर इसकी एक नॉर्मल सी रोटी बेल लूँगी। ये भी बहुत ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। तो दूसरी तरफ मैंने पैन को गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर रही हूँ। अब इसमें पराठा डाल दूँगी और इसको मैं दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। तो लो फ्लेम पर अभी हम इसको पका रहे हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए और कहीं से कच्चा ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इस पर घी डालती जा रही हूँ और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए पराठा हमारा तैयार हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। दोनों साइड हमें इस तरीके से इसके फ्राई करने हैं। थोड़ा सा जैसे एक सुनहरा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हुए हैं पराठे। तो अब मैं एक बटर पेपर ले लेती हूँ और इसके ऊपर ये मैं पराठा सेट कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्च ली थी। 1/2 पाव दही में मैंने इसकी एक चटनी सी बना ली है, तो ये चटनी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर कलेजी सेट कर दूँगी। हम इस पर कोई एक्स्ट्रा मेयोनीज़, केचप या वाइट या रेड सॉस नहीं लगाएंगे। सिंपल और ईजी सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। बहुत मज़े का ये कलेजी रोल पराठा बनता है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल पराठे तैयार कर लेती हूँ। तो इससे पहले मैंने आपसे चिकन शवरमा रेसिपी शेयर की थी, तो उस शवरमा रेसिपी में मैंने आपको शवरमा वाइट सॉस, शवरमा रेड सॉस बनानी भी सिखाई थी। बहुत पसंद की गई थी मेरी वो रेसिपी। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग मेरी वो रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलेजी रोल पराठा तैयार है, बहुत बढ़िया रेसिपी बनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।